गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस. यू ऑल नो व्हाट इज़ अ एयर एंड कंपोनेंट ऑफ एयर. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एयर एज वेल एज द अमाउंट एंड अबाउट द एयर पॉल्यूशंस एंड इट्स प्रिवेंशन. नाउ लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. वी नो दैट कि हम हवा के बिना नहीं जी सकते. वन कैन लीव विदाउट अ फूड एंड वाटर फॉर फ्यू डेज, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीव विदाउट एयर. आप खाए बिना और पानी पिए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना आप कुछ टाइम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर, बट कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट स्टार्ट मूविंग और ब्लोइंग. सो वी कॉल्ड विंड. मूविंग एयर और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. यानी कि हम एयर को ना तो छू सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं. इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब ये बहती है या मूवमेंट करती है, जिसे हम विंड कहते हैं, उसे हम फील जरूर कर सकते हैं. यानी बहती हुई हवा अगर हमारी बॉडी से टकराती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये हमारे चारों तरफ सभी जगह प्रेजेंट है. ऐसी कोई स्पेस नहीं होती जहाँ पर एयर ना पहुँचे. कोई भी स्पेस हो वहाँ सभी जगह एयर फील होती है. वी कैन नॉट सी एयर, देन हाउ कैन वी फील इट्स प्रेजेंट. अगर आप देख नहीं सकते तो आप इसकी प्रेजेंस को कैसे पता कर सकते हो कि आपके आसपास हवा है, जबकि आपको ये दिखाई नहीं दे रही है. उसके लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो आप सभी ने की है, वो परफॉर्म करेंगे. टू शो दैट एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा है, ये देखेंगे हम इस एक्टिविटी में. सिंपल है, आपको एक पिन व्हील्स बनाना है, फिरकी जिसे कहते हैं, ठीक है. ये कुछ पेपर लेकर उसे फोल्ड करना है, उससे एक स्टिक से कनेक्ट करना है, ठीक है. और इस स्टिक को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओपन एरियाज में जाकर रखना है. तो आप देखोगे कि ये बैक एंड फोर्थ मोमेंट करती है ना. तो इससे ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि आप जिस भी जगह पर जाते हो, सभी जगह आपको हवा का एक झोंका जो इस व्हील को रोटेट कर देगा. यानी इससे पता चल जाएगा कि एयर सभी जगह प्रेजेंट होती है. नाउ एक्टिविटी सेकेंड, टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर. अब देखो, अगर एयर हमारे चारों तरफ है तो इसका मतलब है वो किसी स्पेस को कवर करती है. अगर वो एग्जिस्ट करती है हमारे चारों तरफ, यानी उसने हमारे चारों तरफ का एरिया जो है वो भी कवर कर रखा है, तो एयर स्पेस यानी जगह को ऑक्यूपाई करती है, भरती है. वो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर एक ग्लास लीजिए, थोड़ा सा वाटर लीजिए बीकर में, और एक वेसल ले लीजिए जिसे पानी से आपने भरा है, बीकर ले सकते हैं. और इस तरह से जब आप किसी ग्लास को उल्टा करके पानी के अंदर धकेलेंगे तो वो ग्लास अंदर की तरफ नहीं जाएगा और उसका एक उल्टा प्रेशर आपको ऊपर की तरफ लगेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब ग्लास आपने उल्टा करके पानी के अंदर डाला था तो उस खाली ग्लास के अंदर एयर फील हो चुकी थी. अब वो एयर की जगह वाटर फील नहीं हो सकता. तो जब आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके अंदर की तरफ डुबोने की कोशिश करेंगे तो वो जो एयर की स्पेस थी वो आपको वाटर नहीं ले पाएगा. इसी एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एयर जहाँ प्रेजेंट होती है वो अपनी खुद की स्पेस कवर करती है. उसकी जगह दूसरी, जैसे कि वाटर उसकी प्लेस नहीं ले सकता, ठीक है. उसने अपनी एक पर्टिकुलर स्पेस को कवर कर रखा है, ऑक्यूपाई यानी भर रखा है. अब देखो, जैसे ही ग्लास को आप टेढ़ा करते हैं तो इस तरह से एयर के बबल निकल जाते हैं और तब आप ग्लास के अंदर पानी भर सकते हो. यानी जो एयर अंदर प्रेजेंट थी उसने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी थी, जब वो एयर वहाँ से निकल गई तब उस प्लेस पर वाटर फील होता है. तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है समझने के लिए कि एयर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एक फर्दर एक्टिविटी आप और कर सकते हो, जब आप बैलून लेकर उसको आप इन्फ्लेट करते हो, अंदर एयर फील करते हो, तो आप देखेंगे कि बैलून की स्किन स्ट्रेच होती जाती है और बैलून की साइज़ बढ़ती जाती है. यानी कि धीरे धीरे वो जो एयर आपने अंदर डाली थी बैलून के अंदर, वो अपनी स्पेस कवर करके बैलून की साइज़ को बढ़ा देती हैं. नाउ एटमोसफियर की बात करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ब्लू कलर का जो प्लैनेट है, ये हमारी अर्थ है. इस अर्थ के आसपास एक जैकेट
या एक ब्लैंकेट की तरह, या जिसे हम एक एनवेलप भी कह सकते हैं, चारों तरफ एयर ने इस अर्थ को कवर कर रखा है। इस एयर के लेयर के बाद बाहर की तरफ होता है स्पेस, जहाँ पर कोई हवा या कुछ नहीं होता। तो ये जो एयर का एक ब्लैंकेट की तरह इसने अर्थ के चारों ओर कवर कर लिया है अर्थ को, ये कहलाता है एटमोस्फियर। ये जो लाइट ग्रीन शेड में नज़र आ रहा है यहाँ पर, यह आपका एटमोस्फियर है जो अर्थ को चारों ओर से कवर अप कर रखा है। और हमें पता है कि अर्थ पर जो लाइफ पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी एटमोस्फियर के कारण पॉसिबल है। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर आपको वाटर मिलता है, एटमोस्फियर मिलता है, गैसेस मिलती है सर्वाइव करने के लिए, इसी कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेनेट। अदर प्लेनेट पर ऐसा नहीं होता। नाउ वी लीव ऑन द अर्थ एंड देयर इज़ अ थीक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमोस्फियर। यही जो ब्लैंकेट है एयर का, ये बहुत सारी एयर का मिक्सचर है। यहाँ पर एयर क्या है, एक मिक्सचर है, कई सारी गैसेस मिक्स है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, और ये अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसे हम एटमोस्फियर कहते हैं। अब ये एटमोस्फियर, हम तो इस अर्थ पर रहने वाले बहुत छोटे से जीव है ना इस एटमोस्फियर के कंपैरिजन में, तो इस एटमोस्फियर की जो हाइट है वो कितनी होती है, 300 किलोमीटर्स तक इसकी ऊंचाई होती है। अर्थ सरफेस से कितना ऊंचा है ये, 300 किलोमीटर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो एयर का अमाउंट क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, और एक लेयर आती है जहाँ पर एयर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिसे आप स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर, अब हम देखेंगे कि ये जो एयर इसके चारों ओर है उसमें क्या क्या होता है ना। तो जो लेवोशिए फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एयर जो होता है, वो एयर जो होती है वो गैसेस का मिक्सचर होता है। एयर वर्ड कहाँ से पता चला, एयर का मतलब होता है कई गैसेस का मिक्सचर होना। एयर कोई प्योर फॉर्म नहीं है, वो गैसेस का मिक्सचर है, जिसको हम कंबाइन फॉर्म में एयर कहते हैं। ऐसा बताने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्हें लेवोशिए जिनका नाम था। लेवोशिए ने गैसेस के बारे में भी बताया, देन कौन सी गैस कितने परसेंट में है ये भी हमने फर्दर पता किया। जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है पूरे एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन का परसेंट होता है 78, मतलब अप्रोक्सीव 4/5 पार्ट कवर करती है। 5 कंपोनेंट होते हैं इस एटमॉस्फेयर के, उस 5 कंपोनेंट्स में से 4/5 पार्ट जो है वो नाइट्रोजन गैस अकेली कवर करती है। ये देखो यहाँ पर एक पाई चार्ट की हेल्प से आपको बताया गया है कि ये ब्लू पोर्शन जो है, ये पूरे 100% एयर में से 78% पार्ट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का है। देन सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा पार्ट होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, और 78 और ऑक्सीजन, ठीक है, इसे मिलाकर टोटल आपका बनता है 99%, यानी कि टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% कवर कर लेते हैं। अब रिमेनिंग जो 1% बचा है, वो 1% में क्या क्या होता है, ये येलो वाला 1% पार्ट है, इसमें से भी, इस 1% में से भी ये जो छोटा सा पीस यहाँ से पोर्शन कट किया गया है, तो उसमें से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर उसके अलावा कुछ फर्दर नोबल गैसेस होती हैं, और फिर वाटर वेपर भी इसी 1% के अंदर इंक्लूड है, और डस्ट पार्टिकल भी इसी 1% में होता है ना। यानी पूरी एयर में 1% मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और अदर गैसेस आते हैं। नाउ एक्टिविटी थर्ड, टू शो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, यहाँ पर आप शो करेंगे इस एक्टिविटी से कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो ये आपको कैसे पता चला कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिंपल सा है, एक कैंडल लीजिए, उसे बर्न कीजिए, जैसे ही आप कैंडल ग्लो करेंगे उसके ऊपर थोड़ी देर बाद कांच का ग्लास ढक दीजिए, ग्लास ढकने से आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद कि वो कैंडल बुझ जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और जब वो बंद हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि अभी तक उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी, और उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो वो बर्न होना बंद कर देगी, ठीक है। तो कैंडल बर्निंग प्रोसेस से हम ये पता कर सकते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। अगर उस कैंडल पे ग्लास ढक दिया, इसका मतलब है कि उस कैंडल को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन रुक गई है और उसका जलना बंद हो गया।
तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, ठीक है। टू शो द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रपोर्शन हम इसमें शो करने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे। आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक कंटेनर, एक ग्लास जार, है ना, एक गैस जार स्टैंड चाहिए, एक कैंडल चाहिए, इंक चाहिए, पेंसिल चाहिए और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए। अब आपने ग्लास जार ले रखा है एक, ठीक है, उसमें कुछ स्पेस है, कुछ जगह है, एक एंड से आपको उसको फ्री छोड़ देना है, ठीक है, और एक पेपर स्ट्रिप जो है उसकी लेंथ के अलोंग आपको उसे चिपका देना है साइड से, पेपर की स्ट्रिप पट्टी सी, ठीक है। और इस पेपर स्ट्रिप को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड मार्क ईच डिवीजन एज शोन इन फिगर। अब फिगर में देखेंगे आप, कुछ इस तरह से किया है इन्होंने। ये देखिए, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ग्लास जार ले रखा है और ये एक गैस जार है, और उस गैस जार के ऊपर पेपर स्ट्रिप से इस तरह से 5 इक्वल पार्ट पेपर स्ट्रिप चिपका कर 5 इक्वल पार्ट मार्क कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या किया है, एक कंटेनर लेना है और उसके अंदर एक गैस जार स्टैंड रखा है, ये गैस जार है, इस पर आपने स्ट्रिप चिपका ली। अब एक कंटेनर ले रखा है आपने, वो कंटेनर के अंदर ऐसा स्टैंड रखना है आपको, ठीक है, और उस कंटेनर को एटलीस्ट 3/4 फिल करना है वाटर से, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरना है। ये आपने इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, और इस पानी के अंदर थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा भी मिला देते हैं, कॉस्टिक सोडा दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कुछ इंक की ड्रॉप डाल दी जिसके कारण इसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है, जिससे आपको ये पानी विजिबल हो जाए। केवल विजिबिलिटी, वाटर विजिबल नहीं होता ना, इसलिए इंक कलर डालने से वो विजिबल हो जाता है, नज़र आ जाता है कि वाटर कैसे राइज हो रहा है, कहाँ जा रहा है। नाउ लाइट द कैंडल, अब इस स्टैंड पर एक कैंडल रखनी है, फिर कैंडल को जलाना है, ठीक, और कैंडल जलाने के बाद उसे गैस जार स्टैंड पर रख दिया कैंडल को, और उसको इस गैस जार से कवर कर दिया, मतलब जलाने के बाद ये गैस जार उसके ऊपर उल्टा ढक देंगे। उल्टा ढक दिया तो क्या होगा, आपने देखा कि थोड़ा सा जलने के बाद कैंडल ऑटोमेटिक बुझ जाती है ना, वो बर्न करना बंद कर दिया उसने, ठीक है, तो और धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी होने लग जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। देन जैसे ही आप ग्लास जार को इसके ऊपर से हटाएंगे, तो ग्लास जार हटाने के बाद आप अगर वहाँ पर कोई मैच स्टिक को फिर से ब्लो करवाने की कोशिश करेंगे जलाने की, तो वो नहीं जलेगी। तो फाइनली आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब ये कैंडल कुछ टाइम के बाद बुझी थी, जैसे ये गैस जार को आपने ढक दिया था और कैंडल बुझ गई थी, तो उस समय आपने देखा होगा जो इंक वाला वाटर था वो ऊपर की तरफ जा चुका है, और कहाँ तक पहुँच चुका है, 1 mark तक पहुँच चुका है, ठीक है, जहाँ पर 1 mark किया था उस पोजीशन तक ये वाटर राइज हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो कैंडल थी वो कम्प्लीटली तब तक बर्न होती रही जब तक उसे इस गैस जार के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन मिलती रही, ठीक है, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो गई इस गैस जार के अंदर, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी वो सब बर्निंग प्रोसेस में यूटिलाइज हो गई, और उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मोमबत्ती भी बुझ गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से जा चुकी है उसके इक्विवेलेंट कौन सी गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन अगर यूटिलाइज हुई है तो कोई भी चीज़ जब बुझ जाती है, सॉरी बर्निंग होती है, तो बर्निंग से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो इस गैस जार के अंदर कौन सी गैस बनने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोखने की कोशिश करेगा, कौन एब्जॉर्ब करता है, कॉस्टिक सोडा, इसीलिए हमने पानी के अंदर कॉस्टिक सोडा मिलाया था, वो कॉस्टिक सोडा इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फाइनली इस गैस जार के अंदर जो स्पेस था वो कम हो गया तो उसकी जगह किसने ले ली, इस वाटर ने, क्योंकि ये कॉस्टिक सोडा वाला वाटर था, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता जाता है और इसका जितना भी स्पेस यहाँ अंदर खाली होती है वो ये कवर कर लेता है। तो वाटर अगर 1 mark किया है वहाँ तक राइज हुआ, इसका मतलब है इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इस गैस जार में जो थी, यानी कि इस पूरे 5 parts में से 1 part जो ऑक्सीजन था वो पूरा इस बर्निंग प्रोसेस में यूटिलाइज हो गया, यानी कि पूरे हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो इतना ख़त्म हुआ उसके इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और वही कार्बन डाइऑक्साइड कॉस्टिक सोडा ने एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि ओवरऑल पार्ट कितना खाली हुआ, इस जार पे मार्क किया हुआ
फर्स्ट पार्ट ओनली, फर्स्ट पार्ट जितनी स्पेस थी वही खाली बची, और वही खाली बची में वाटर राइज हुआ, यानी कि वो स्पेस कितनी थी, किसकी थी, ऑक्सीजन की थी, ऑक्सीजन जो इसमें यूटिलाइज हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे 1/5 पार्ट में से केवल 1 पार्ट जितना पोर्शन जो था वो किसका था, ऑक्सीजन का था, यानी ऑक्सीजन का कितना पार्ट रहा है, 1/5 पार्ट रहा, ठीक है। और बचा हुआ जो 4/5 पार्ट है वो सिर्फ क्या था, वो कंबंशन को सपोर्ट करता है लेकिन कंबंशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो 4/5 पार्ट जो था वो किसका कह सकते हैं हम, नाइट्रोजन का, क्योंकि एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि अगर हमने 5 इक्वल पार्ट किए तो उसमें से सिर्फ 4/5 पार्ट तो नाइट्रोजन गैस का होता है और 1/5 पार्ट किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, ठीक है। नाउ अब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एयर दैट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एज वेल एज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, ये 5 मेन कंपोनेंट होते हैं एयर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 100 में से 78% नाइट्रोजन होती है। और ये खुद तो कभी बर्न नहीं होती, क्योंकि होता ऐसा तो कैंडल कंटिन्यू बर्न होने लग जाती, ठीक है, ये खुद बर्न नहीं करती, लेकिन ये जब कंबंशन होता है तो उसको सपोर्ट भी करती है, ये कंबंशन को सपोर्ट करती है, बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है, बट खुद बर्न नहीं होती। सेकंड नंबर जो है, सेकंड मेजर पार्ट जो है वो 21% ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन क्या करती है ये हमें पहले से ही पता है, ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एटमॉस्फेयर में 21% अवेलेबल है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स के थ्रू रिमूव की जाती है, और जितना भी ऑक्सीजन का अमाउंट है वो आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे 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 कि आप माउंटेन पर चढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन की आपको कमी होती जाएगी, यानी अर्थ सरफेस से नीचे नीचे की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। इसलिए कोई माउंटेनियर जो होते हैं वो हाई माउंटेन पर जब चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो अपने साथ साथ ऑक्सीजन बॉटल लेकर जाते हैं, या फिर कोई डीप सी यानी गहरे समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है, ताकि अर्थ सरफेस से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो भी ऑक्सीजन की कमी होगी, और नीचे पानी के अंदर जा रहे हो तो भी ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना, आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम दैट मीन्स उनको ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं मिल पाती है, तो ऐसे ही ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उनको सिलेंडर्स में भरकर प्रोवाइड करवाई जाती है। आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हॉस्पिटल में देखे होंगे। नाउ थर्ड कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि 21% ऑक्सीजन का होता है, 78% नाइट्रोजन का होता है, उसके अलावा रिमेनिंग 1% पार्ट ऐसा होता है जिसमें अदर गैसेस होती है। उस 1% में से भी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है, 0.03% होता है, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतना कम रेशो है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है, और जब भी कोई फ्यूल या कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होता है, ठीक है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। व्हेन वी फील अ सफोकेटेड इन अ क्लोज रूम, वी फील सम बर्निंग मटेरियल बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूल या किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो जब ये फ्यूल किसी रूम, क्लोज बंद कमरे के अंदर जल रहा होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक है। तो ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, एक तो फ्यूल वगैरह के बर्न से, और दूसरा है इसे प्लांट रिलीज करते हैं जब वो प्लांट यूटिलाइज करते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं ना तो जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी इस गैस को रिलीज करते हैं, और प्लांट भी इसे रिलीज करते हैं, लेकिन कब नहीं करते, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तब वो उल्टी सिस्टम करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चल रही है तब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वाटर वेपर फोर्थ कंपोनेंट है। एयर के अंदर जो वाटर वेपर होती है
यानी कि जब आपने देखा होगा सन हीट से वाटर बॉडी से वाटर इवापरेट होता है, इवापरेट होके छोटी छोटी बूंदों जो होती है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है, उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। और जब ये वाटर वेपर बहुत ज़्यादा एयर के अंदर आ जाती है तो फिर वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो जितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर के अंदर उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, जब किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है ये वाटर वेपर तो अगेन ये कूल सरफेस से टकराकर कंडेंस हो जाती है और अगेन वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वाटर वेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाटर साइकिल के लिए। इसलिए ये एयर में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वाटर साइकिल का ही पार्ट है। वेपर नहीं बनेगी तो वाटर साइकिल बनाकर रेन के फॉर्म में अगेन नहीं आएगा, क्लाउड नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। डस्ट पार्टिकल और स्मोक जो होते हैं ये सब नेचुरली अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस से एयर के अंदर मिक्स होते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल यानी उसमें कुछ सॉइल वगैरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं और ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर में इनका कंपोजिशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो जनरली हम नोस्ट्रिल यानी नाक से सांस लेते हैं। ठीक, और छोटे छोटे नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, वो हेयर जो होते हैं और जो म्यूकस होता है स्टिकी सब्सटेंस जो हमारी नोज़ के अंदर होता है, ठीक है, ये इन डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है और हमारे लंग्स तक पहुंचने से रोकता है। क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल अगर नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर चले गए तो लंग्स में ये इकट्ठे हो जाएंगे और जिसके कारण कई सारी डिसीज होती हैं। ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अपने माउथ से सांस लेते हो तो कई सारे डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, क्योंकि माउथ में अच्छी खासी स्पेस होती है और उस डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, जबकि नोज़ से ब्रीदिंग करूँगे तो नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स और म्यूकस होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते। तो कई सारे जर्म्स, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल, ये सब कुछ एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर और हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो यही कारण है कि हमें नोज़ से ब्रीदिंग करनी चाहिए, ना कि माउथ से। नाउ एक्टिविटी 5, टू शोज दैट एयर ऑलवेज कंटेन अ डस्ट पार्टिकल। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आप किसी भी अंधेरे कमरे में या डार्क रूम में एक छोटा सा होल आपने देखा होगा जहाँ से लाइट अंदर आती है, सनलाइट, तो कुछ इस तरह से लाइट बीम आपको नज़र आती है, उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यही बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको पता चलता है कि एयर के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। जनरली धूप में आपने डस्ट पार्टिकल को देखा होगा। ठीक है, नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है, हमने डस्ट पार्टिकल की तो बात की, लेकिन स्मोक का बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो जनरली स्मोक किसी भी फ्यूल के बर्न होने से प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने कारखाने से निकलने वाली ऐसी चिमनियाँ से निकलने वाला जो धुआं देखा है ना, कारखानों की जो चिमनीज होती हैं उनके इस तरह से धुएं निकलते हैं, तो ये एक स्मोक ही है। ठीक है, काले धुएं जो व्हीकल वगैरह से भी निकलते हैं स्मोक। ठीक, इसके अंदर कई सारी गैसेस होती हैं और कई सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, इसलिए जो चिमनीज़ होती है इंडस्ट्री में ये बहुत ऊंची हाइट की बनाई जाती है, ताकि जो डस्ट और जो स्मोक निकला है ये अगर नीचे सर्वाइव करने वाले लोगों के कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी को हार्म करेगा। इसलिए इतनी हाइट वाली चिमनीज इसलिए बनाई है कि ये डस्ट पार्टिकल और स्मोक है वो ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर रिलीज़ हो, ताकि नीचे जो जनरल पॉपुलेशन है उन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, दूसरा है ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक मास्क पहने हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूरे दिन रोड पर रहते हैं और रोड पर कई सारे व्हीकल्स उनके आगे पीछे से जाते हैं, कार है, स्कूटर है, तो पूरे टाइम अगर वो व्हीकल के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, गैसेस होती हैं, है ना, जब व्हीकल चलता है तो फ्यूल बर्न होता है और फ्यूल बर्न होने से जो स्मोक निकलता है वो उनकी हेल्थ को हार्म पहुँचाता है, इसलिए वो हमेशा मास्क पहने रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि एयर के अंदर कई सारे कंपोजिशन होते हैं, लेकिन ये जो कंपोजिशन होता है डस्ट और इसका, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे कि आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं जहाँ पर लगातार फ्यूल बर्न होता रहता है, तो वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मिलेगी, डस्ट पार्टिकल भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुले एरिया की बात करते हैं, खुला हिस्सा जहाँ पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा है, वहाँ की एयर थोड़ी क्लीन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, और कुछ कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर वाटर वेपर का रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवोपरेट होता है, इसलिए प्लेस टू प्लेस इन सभी गैसेस का कंपोजिशन जो रहेगा वो ज़्यादा कम होता रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर
क्या वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक बीकर लेना है आपको, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है और एक बुनसन बर्नर लेना है। बर्नर यानी एक छोटा सा बर्नर होता है जिसकी फ्लेम लगातार एक पर्टिकुलर बेस पर ही फोकस करती है, ठीक है। और कुछ पानी लेना है, तो इस तरह बीकर लिया, उसमें पानी भरा आपने और उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया है और नीचे से बर्नर को चला दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और छोटे छोटे बबल्स वाटर के अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ आपको बबल उठते हुए दिखाई देंगे जो ऊपर की तरफ आते जाते हैं। वो बबल किसके होते हैं? एयर के होते हैं। और इसी एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि एयर भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। जब आप उसे गर्म करते हो तो वो एयर उसके पार्टिकल एनर्जाइज होकर ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आते हैं। तो आपको ये अंदर छोटे छोटे जो बबल दिखाई देते हैं वाटर के अंदर, वो एयर के होते हैं। इससे आपको ये प्रूफ मिलता है कि वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की, जैसे कि फिश है, ठीक है। कई सारी फिशेज है और अदर एनिमल्स और प्लांट्स है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे करते हैं? हमें पता है कि ब्रीदिंग या सांस लेने के लिए हमें वाटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो वाटर में रहने के बाद उन्हें ऑक्सीजन गैस कैसे मिलती है? तो जो प्लांट होते हैं जो वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उनके सरफेस पर स्टोमेटा होता है, उनके लीव्स पे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। जो अपर सरफेस जो होती है उनके लीव की, उससे वो ऑक्सीजन उससे जो गैसेस है वो अंदर ले लेते हैं। चाहे फोटोसिंथेसिस हो तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाकी टाइम वो ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरह से तैरती हुई पत्तियाँ, जैसे लोटस की बात करते हैं तो लोटस की लीव इस तरह से फ्लोट करती है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वहाँ से वो एटमोसफियर से गैसेस एक्सचेंज कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टैप ग्रास है, इनके अंदर स्ट्रोमेटा नहीं होता, क्योंकि अगर ये पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड है, तो ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर घुली हुई वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपना ब्रीदिंग प्रोसेस पूरा करते हैं। जैसे फिशेस भी है, फिशेस पानी के बाहर नहीं आती ऑक्सीजन लेने, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसी का यूटिलाइज करती है ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 7, टू शो दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल, कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। जैसे हमने वाटर में पता लगाया, वैसे सॉइल का पता लगाएंगे। उसके लिए सिंपल आप एक बीकर लीजिए और ग्राउंड से या गार्डन से कुछ थोड़ी सी सॉइल लेकर आइए, और जैसे ही आप बीकर में थोड़ा सा पानी लेकर सॉइल को अंदर डालेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे बबल उठते हुए नज़र आएंगे। वो बबल क्या होता है, सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल के बीच में गैप पाई जाती है, वो छोटी छोटी गैप के अंदर एयर फील हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे तो एयर क्या होती है, उसकी सरफेस की तरफ वो जो गैप होती है सॉइल के अंदर, उसके अंदर पानी भरने लग जाता है, तो एयर के बबल वहाँ से निकलते जाते हैं और उसकी सरफेस पर आते जाते हैं। तो इससे ये बबल देखकर हमें पता चलता है कि सॉइल के अंदर भी क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। अब आपने देखा होगा कि कई बार हैवी रेनफॉल होता है, बारिश होती है, ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स है, ठीक है, या प्लांट रूट है, वो सब प्लांट्स की जो रूट है, जड़े हैं, ठीक है, तो ये सब आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीजन लेते कहाँ से। अब अर्थवॉर्म भी सॉइल के अंदर रहता है, तो सॉइल के अंदर रहेगा तो सॉइल के पार्टिकल के बीच में छोटी छोटी गैप होती है, और वो जो गैप होती है वहाँ पर कौन गैस फील होती है, एयर फील होती है। तो अर्थवॉर्म भी क्या करता है, जो छोटी छोटी एयर फिल्म, ये जो गैप होती है इससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब बारिश हो रही है, बारिश होती है तो सीधा पानी कहाँ जाता है, सॉइल के अंदर, और ये छोटी छोटी जो गैप होती है वहाँ पर पानी भरने लग जाता है, और पानी जब इस जगह पर भरेगा तो यहाँ से एयर के बबल बन के बाहर आ जाते हैं। तो जब भारी बारिश होती है तो पूरे सॉइल के अंदर जितने पार्टिकल्स थे, खाली जगह थी, वो सभी खाली जगह के बीच में पानी भर जाता है, और उस केस में आपने देखा होगा अर्थवॉर्म बारिश के समय बाहर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोड पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ब्रीदिंग प्रोसेस करने के लिए जो स्पेस थी और जहाँ एयर फील थी वो उन्हें नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसलिए वो उस सॉइल को छोड़ देते हैं, ब्रीदिंग नहीं कर पाते और धीरे धीरे बाहर आने लग जाते हैं सॉइल से। नाउ जैसे कुछ मैनग्रोव प्लांट की बात करते हैं, जो वाटर, जो पानी जब जमा होता है, ठहरा होता है, तो वहाँ पर वो ग्रो करता है, ठीक है। उनकी जो रूट्स होती हैं वो इस तरह से, अगर कोई प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट खुद चल के तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उनकी रूट्स इस तरह से बाहर निकल जाती हैं ताकि वो बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। तो इस तरह से
कोई भी प्लांट या एनिमल है अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे एनिमल्स तो बाहर ही आ जाते हैं, वाटर फील हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और प्लांट अपनी रूट्स को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस किस तरह से बना हुआ है, और उसको बनाने में मेन किसका हाथ होता है, प्लांट्स का और एज वेल एज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि बैलेंस कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एयर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब प्लांट भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, कब, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर रहे होते। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और ह्यूमन बींग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट प्लांट में दोनों प्रोसेस होती हैं। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है, जब प्लांट अपना फूड बना रहे होते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में, तब प्लांट क्या करते हैं, तब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन बाकी टाइम, जैसे नाइट टाइम है, रात का समय, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है रात के टाइम पर, तो फिर वो नॉर्मली जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं वैसे ही वो प्रोसेस करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसी तरह जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और क्या, कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे वो एयर के अंदर चली जाती है, और ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, है ना, डे टाइम पर एज वेल एज नाइट टाइम पर, तब वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, माना ऑक्सीजन चाहिए हमें, और प्लांट भी जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कौन सी गैस रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो वो रिलीज़ कर रहे हैं उतनी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि वो सारी ऑक्सीजन हम यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, इसीलिए टोटल रिलीज जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्लांट के द्वारा भी रिलीज़ किया जाता है, और जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन का भी यूज़ किया जाता है। नाउ आपने एक और तरीका देखा है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे पेट्रोल है, वुड है, कोल है, ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं बर्न करने के लिए, और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चलता रहता है, चाहे फिर वो बर्निंग ऑफ फ्यूल हो, या ग्रीन प्लांट का रेस्पिरेशन हो, या फिर ह्यूमन बींग या किसी एनिमल का रेस्पिरेशन हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या कोई बर्निंग ऑफ फ्यूल है यानी कि फ्यूल का जलना है, दोनों ही केस में आपको ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल को बर्न होना तभी ऑक्सीजन चाहिए, और कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है तब भी ऑक्सीजन चाहिए। दोनों ही केस में क्या होगा, कोई एनिमल अगर ऑक्सीजन लेगा या फ्यूल बर्न होगा, दोनों ही केस में ऑक्सीजन का तो यूज़ हो रहा है, बट कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, और प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और वो कौन सी गैस रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्लांट और एनिमल के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस चलता रहता है। ठीक है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हम प्लांट को कट करेंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे द्वारा रिलीज़ की गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ब्रीदिंग करते हैं ना, रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले प्लांट्स होते हैं, और इस तरह से अगर वो प्लांट मर जाएंगे या काटे जाएंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे एनवायरमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाते हैं। अब कुछ केस स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर थी, एक इंडस्ट्री में ऐसी एक्सीडेंट या घटना हुई थी जिसमें कई सारे लोग आज तक उस चीज़ से अफेक्टेड है, और कई सारे लोगों में हैंडीकैप जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये एक प्लांट था जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट था।
जो भोपाल सिटी में था इंडिया की, और कब हुआ था, 3 दिसंबर को 1984 में, ठीक है। तो 3rd of December 1984 में ये हुआ था केस, और इस टाइम पे गलती से एक वॉल्व खुला होने के कारण 42 टन्स, काउंटिंग आप याद रखिएगा, 42 टन्स ऑफ टॉक्सिक यानी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हो गई थी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ये गैस इतनी ज़्यादा अमाउंट पे रिलीज हो गई थी, 42 टन्स अमाउंट था इसका टोटल, और मोर देन 5 लाख पीपल इसके कांटेक्ट में आए थे। एटमॉस्फेयर में आएंगे तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से तो हम ब्रीदिंग करते रहते, कितने ही लोग हैं, तो खुली हवा में इतनी सारी गैस फैल जाने के कारण 5 लाख लोग इस टॉक्सिक गैस के कांटेक्ट में आए थे, और उसमें से 8,000 लोग तो एट अ टाइम जैसे ही कांटेक्ट में आए, 2 वीक के अंदर ये गैस फैलती रही और मरते गए, और उसमें से 8,000 लोग कम से कम वहाँ पर और मरते गए, और उसके अलावा जो कुछ लोग थे इनमें से, वो लोग में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स, वो ठीक तो हो गए, वो मरे नहीं, लेकिन आज तक उनके जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वो हैंडीकैप्ड होते जाते हैं, ठीक है। तो इसी का इफ़ेक्ट उनकी आज उस लोगों पर ही नहीं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बेबी या संतान पर भी पड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था, आपदा आई थी, एक ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। तो गैसेस का इफ़ेक्ट, जो टॉक्सिक गैसेस होती है उसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। नाउ यूजेस ऑफ एयर की बात करते हैं, एयर के क्या क्या यूज़ हैं। तो आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, देन किसी भी फ्यूल के बर्न करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, उसके अलावा कंप्रेस्ड एयर जो होती है, ठीक है, जो टायर्स में फील की जाती है, जैसे साइकिल बाइसिकल है, स्कूटर है, कार है, बस है, ठीक है, बैलून, फुटबॉल, ये सभी हम चीज़ें, फुटबॉल वगैरह, इन सभी के अंदर गैस फील कर जाती है, तो ये भी गैस का यूज़ ही हुआ है ना, क्योंकि आज व्हीकल वगैरह जो चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं, क्योंकि उनके टायर के बीच में हवा भरी है जिसके कारण वो लाइट वेटेड है, ठीक है, और अर्थ पर इतना लोड नहीं आता। उसके अलावा जो मूविंग एयर जिसे हम विंड कहते हैं, ठीक, उसकी हेल्प से हम बोट वगैरह सेल कर सकते हैं, सेलिंग करना मतलब नाव चलाने की प्रोसेस होती है हवा से ही, क्योंकि थोड़ा सा पानी में भले ही चल रही है लेकिन उसका जो सपोर्ट है या डायरेक्शन चेंज करना वो तो विंड की हेल्प से ही होता है। पैराशूट्स वगैरह, ग्लाइडर्स, ये सब आपने उड़ते देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एयर के कारण होता है। उसके अलावा विंड मिल्स जो होता है, आपने देखा होगा पवन चक्की, वो भी एक विंड पर बेस्ड एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। उसके अलावा विंड मिल्स का यूज़ आप वाटर को ट्यूबवेल से खींचने के लिए ड्रॉ करने से भी कर सकते हो, पानी खींचने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो अर्थ से, ठीक है। और कई सारी फ्लोर मिल यानी आटा चक्कियाँ भी इसी विंडमिल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सभी इस विंडमिल्स के हेल्प से आप कर सकते हो। नाउ 6 यूज़ है, विंड हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ प्लांट सीड्स। अब आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर जो डिस्पर्जल प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, जिसमें पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं प्लांट के फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाते हैं, और जिसकी हेल्प से पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, और जिससे कोई भी सीड, फ्रूट या वेजिटेबल बनता है, उसमें भी एयर का बहुत अच्छा रोल होता है। नाउ केयर फॉर एनवायरनमेंट, हम सभी जानते हैं कि एयर हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हमारे ही कारण, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करना, फिर फ्यूल बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाना जैसे पेट्रोल डीजल है, व्हीकल का अननेसेसरी यूज़ करना जिससे फ्यूल जलता है, और कई सारे केमिकल्स इंडस्ट्री वगैरह से रिलीज़ होना, ठीक है, और इस तरह के कई सारे ऐसे कंपोनेंट एयर के अंदर रिलीज़ होते जा रहे हैं जिससे एयर पॉल्यूट होती जा रही है, गंदी होती जा रही है, जिसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारा ही फ़र्ज है कि हमें हमारी एयर को क्लीन करना चाहिए, जिसके कारण हमारी लाइफ पॉसिबल है उसे हम पॉल्यूट नहीं होने देंगे। तो इसलिए हमें क्या क्या मेथड फॉलो करनी चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि वाटर एयर को क्लीन करते हैं। सेकेंड, हमें कुछ व्हीकल में पेट्रोल डीजल ऐसे फ्यूल जो ज़्यादा धुआं देते, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे स्मोक प्रोड्यूसर व्हीकल की जगह हमें CNG व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कम से कम धुआं निकलता है, जो आजकल आप कई सारे व्हीकल में गैस से चलने वाले व्हीकल भी देखते हैं जिससे पॉल्यूशन कम होता है। नाउ आपको ऐसे एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जो स्मोकलेस है,
ठीक है, जैसे कि टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर डिवाइसेस है, खाना बनाने के लिए सोलर कुकर है, तो आप ऐसे अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते रहिए जिससे पॉल्यूशन कम होता है. नाउ यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, ठीक है, और क्योंकि सीसा एक धातु होती है, लेड की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उसके कारण उसके जो पार्टिकल्स है, काले काले पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा निकलते हैं, स्मोक भी ज़्यादा निकलता है, तो ऐसा फ्री पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ कीजिए. तो ये कई सारे ऐसे स्टेप हैं जो हमें हमारे एनवायरनमेंट की केयर के लिए ये स्टेप लेना चाहिए और एयर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए. यहीं आपका चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.